बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की देर रात बैठक खत्म। दो दिवसीय बैठक का पहला दिन कल हुआ समाप्त। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए अहम फैसले। बैठक में विपक्ष के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया। पीएम की इमेज खराब करने का आरोप लगाया गया। विपक्षी पार्टी पीएम का नकारात्मक प्रचार कर रहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष पार्टियां नकारात्मक प्रचार करने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल, आधारहीन दावों के लिए पीएम पर आरोप लगाए गए। विपक्ष को कोर्ट में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। किरण रिजिजू ने इस पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। वैश्विक मंच पर भारत की छवि उच्च स्तर पर है। दुनिया के एजेंडे में पीएम की छवि का वर्चस्व बना रहे, इस पर भी चर्चा हुई। G20 का मंत्र एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। G20 के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुधारों में उनकी पहल के लिए धन्यवाद दिया गया। परिषद से उनकी पहल के लिए भी पीएम को धन्यवाद दिया गया। बैठक में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और कर्नाटक का ब्रीफिंग। दयानंद सरस्वती ने 200 वर्ष पुराने होने पर बीजेपी कार्यक्रम करेगी। 13 फरवरी को एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 35 केंद्रीय मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। 12 मंत्री, 37 प्रदेशों के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी कार्यकारिणी में बैठक में कुल 350 कार्यकर्ता मौजूद। अलग अलग विषयों के साथ भव्य प्रदर्शनी। पहला थीम भव्य प्रदर्शनी, पहला थीम सेवा, संगठन और समर्पण है। दूसरा थीम भारत वैश्विक संकट में हमने जो मदद की, G20 को लेकर। तीसरा थीम सुशासन सर्वप्रथम और गुड गवर्नेंस, जो कदम उठाए गए हैं उसको भी प्रदर्शित किया गया। काशी तमिल संगम जैसे कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा हो, तो कुछ इस प्रकार से कल की जो कार्यकारिणी बैठक थी वो संपन्न हुई। ये कुछ अहम बिंदुए रहे कल की कार्यकारिणी बैठक के। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, देखिए, जो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे, क्या कुछ अहम बिंदुए रही उस बैठक की? देखिए बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव होने और भारतीय जनता पार्टी देखिए हर चुनाव के साथ साथ संगठन को लेकर भी आगे चलती रही है। अब देखिए कल जिस तरीके से दिल्ली में दो दिन की यानी कल और आज भी बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की ये बैठक है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करी जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करी जाए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ लगभग 37 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम जो बड़े नाम हैं वो इस पूरी कार्यकारिणी की समिति की बैठक में शामिल रहे थे। कल देखिए जिस तरीके से सुबह की अगर बात करी जाए, 10 बजे से बैठक शुरू हुई, तमाम पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की किन किन नीतियों को, किन किन योजनाओं को आगे लेकर जाने और एक पूरा खाका खींचने का काम किया गया। जिस तरीके से अभी आपने काशी संगम की बात करी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके का वो संगम हुआ था उसका एक जो कह सकते हैं कि मैसेज है वो पूरा विदेश पटल कर गया था कि भारतीय जनता पार्टी संस्कृति को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में जा रही है और उसको किस तरीके से बढ़ावा दे रही है। तमाम मुद्दे थे वो, चाहे अगर हम बात कर लें G20 की बात कर लें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर लें, तमाम अन्य माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में पहुँचने का प्रयास कर रही है। संगठन को लेकर त्रिशला लगातार भारतीय जनता पार्टी में बात चल रही है कि संगठन को किस तरीके से विस्तार देना है, संगठन में किसको किसको शामिल करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी निकाय चुनाव में समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि निकाय चुनाव के पहले संगठन में एक बार, जिस तरीके से खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि संगठन में आंशिक बदलाव होगा, आंशिक बदलाव के साथ साथ देखिए तमाम बड़े परिवर्तन होंगे, वो चाहे प्रदेश उपाध्यक्ष को लेकर हो, चाहे कार्य समिति को लेकर, तमाम जो कई बदलाव हैं वो इसमें होंगे, क्योंकि कई जो संगठन के लोग हैं अब उनके पास मंत्री का भी पद है, ऐसे में उनको संगठन का पद छोड़ना होगा। 2024 के लिए किस तरीके की रणनीति तैयार करी जानी है, किस किस को नई जिम्मेदारी दी जानी है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कौन से नए नए चैप्टर लिखे जाने हैं, क्योंकि देखिए खुद भारतीय जनता पार्टी चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे MLC चुनाव हो, और भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय देखिए
मुख्य फोकस है वो ये है कि 2024 के चुनाव में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमल खिला सके, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। जेपी नड्डा का देखिए अभी कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को फिर से एक बार आगे बढ़ाया जा सकता है। तो तमाम बड़े नेता देखे मौजूद हैं। कल जिस तरीके से देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, एक मैसेज जो है कहीं ना कहीं से उन्होंने देने का काम किया है। लेकिन सबके बीच एक अहम बात जो रही और किरण रिजिजू ने भी इस पर प्रस्ताव पेश किए हैं कि जिस तरह से लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा गया, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? किस प्रकार से कहा गया था कि जो इमेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसको स्पॉइल करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आई थी कल की बैठक में? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात करें जाए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हों, चाहे फिर ममता बनर्जी रही हों, चाहे वो अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हों, तमाम विपक्ष देखिए जिस तरीके से अगर बात करें जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या फिर उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर लगातार टारगेट करना है। वह कांग्रेस में देखिए राहुल गांधी भी हैं, उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम ऐसे जो कह सकते हैं कि बयान दिए हैं, वो चाहे आरएसएस को उन्होंने कौरवों की सेना बताया हो, तमाम ऐसे जो बयानबाजी उन्होंने करी है। ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना यह है कि विपक्ष की बातों से हमें किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को लेकर, चाहे वो प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाएं हो, इसको लेकर विचार कर रही है। और उसी के साथ साथ लोगों को किस तरीके से रोजगार देना है, लोगों को किस तरीके से विकास देना है, भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की देखिए जो समिति की बैठक हो रही है, इस बैठक जो है ये सिर्फ पार्टी के नेतृत्व को तय करने के लिए हो रही है कि किस तरीके से देखिए संगठन में बदलाव होने हैं, किस तरीके से जो पूरी एक पार्टी का कह सकते हैं कि एक सर्वोसर्वा है उस पर किस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपे जानी है, और उसी के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है प्रत्याशियों के चयन को लेकर, क्योंकि देखिए अभी निकाय चुनाव होने हैं, भूपेन्द्र चौधरी ने एक सूची तैयार करी थी वो उन्होंने आगे भेजी है, और उसी के साथ साथ तमाम जिला अध्यक्ष हों, तमाम जिला पंचायत हों, तमाम संगठन के लोग हों, इनको बदले जाने की तैयारी चल रही, यानी जातीय समीकरण के साथ साथ तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे चल रही। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार कई युवाओं को कई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल, अब तो ये रणनीति 2024 पर में ही जमीन पर देखने को मिलेगी। संदीप आप बने रहिए हमारे साथ।